हेलो दोस्तों, ये है ओप्पो F19S। ठीक है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि मतलब चार्जिंग इशू कर रहा है। ठीक, तो इसको सबसे पहले हम डिसम्बली करके हम दिखा रहे हैं। पीछे का बाइक पैनल खोल के हल्का गर्म कर लेना है। जैसे इस कैप को अच्छे से खोल लेना, उसके बाद सेंसर पत्ता जो है, याद रहे ये फिंगर पत्ता जो है उसको अच्छे से निकालना, क्योंकि वो हल्का सा डैमेज होने से वो फिंगरप्रिंट काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड को यहाँ किनारे कर लेना और पीसीबी पे जो भी काम है वो पीसीबी में काम है। ठीक, तो इसमें क्या करना है आपको कि पहले सबसे पहले इसको ध्यान से देखना है कि कहीं ये डस्ट वगैरह है क्या, क्योंकि ज़्यादातर टाइप सी कनेक्टर में क्या होता है कि जल्दी ख़राब होता नहीं है, डस्ट की वजह से वो या तो फिर सही से इन नहीं हो पाता केबल, या तो फिर सही से ले नहीं पाता। ठीक है, उसके वजह से पहले देख लेना है, डस्ट होगा तो पहले उसको क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद अच्छे से थिनर से साफ़ कर लेना उसको, उसके बाद फिर लगा के ट्राई करना है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता। उसके बाद नहीं होता है तो फिर क्या करना है वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप जुड़े हुए रहे इस वीडियो में, तब जाके आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब इसमें लगा के चेक कर लेते हैं ये चार्ज ले पा रहा है या नहीं। देख सकते हैं अब ये चार्जिंग कनेक्ट तो हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये परसेंटेज शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब देख सकते हैं ये परसेंटेज भी शो कर रहा है, मतलब ये फ़ोन ओके हो चुका है। ठीक है, तो आपको भी सेम इसी तरह कर रहा है।